हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 17 जून 2023, आज मैं हिमांशु आप सभी का फिर से सुबह 8 बजे हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तूफान जो चल रहा है उससे अपने आप को सेफ रखे होंगे। भगवान जिन लोगों को जो है वो तकलीफ़ हुई है उन सभी को सहायता प्रदान करे, उन सभी को शक्ति दे लड़ने की, और हमारी जो दुआएं हैं सभी के साथ हैं और जल्द ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। आप सभी भी अपना ध्यान रखें, जो भी गुजरात के आसपास हैं या फिर राजस्थान में भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, तो सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए, किस देश में अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड लॉन्च किया? तो ये है दक्षिण कोरिया। मीडिया के अनुसार 3 चरणों वाला KSLV-2 नूरी देश का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। इसके निर्माण में केवल दक्षिण कोरियाई रॉकेट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और 2027 तक इसकी 3 और उड़ानें भरने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है जापान। तमिलनाडु और जापान के डाइसेल सेफ्टी सिस्टम एक्सचेंज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। राज्य के चेंगलपट्टू जिले में डाइसेल के ऑटोमोबाइल एयरबैग इन्फ्लेटर प्लांट के विस्तार के लिए समझौता किया गया है। किस राज्य ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया? तो ये है राजस्थान। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी की रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। राजस्थान सरकार ने नदी की रेत के सस्ते और आसान विकल्प के रूप में निर्मित रेत के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास स्थापित किया? तो ये है बेंगलुरु। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को भारत के बेंगलुरु में नया ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे देश के बिजनेसों को भारत के बढ़ते डिजिटल और न्यू इनोवेशन से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में शोधकर्ताओं ने पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश में नई वृक्ष प्रजातियों की खोज को एडिनबर्ग जर्नल ऑफ बॉटनी के 19 मई के संस्करण में प्रकाशित किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो यह है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में वर्चुअल रूप से जंगल सफारी का उद्घाटन किया। इस वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए, स्लोथ, भालू, चिंकारा, जंगली सुअर, कई पक्षी पाए जाते हैं। किस राज्य ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इस राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के बाद से राज्य ने आबादी के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ग्रीस देश का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो इनका नाम है इयोनिस सरमास। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इनका नाम है S. वैद्यनाथ। भोटो यात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये है नेपाल। किसने 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता? तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन ने पोलिश यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता। UPSC सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम है सुमन शर्मा। सुश्री सुमन शर्मा 1990 बैच के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने इन्हें शपथ दिलाई। संयुक्त राष्ट्र ने किसे डैग हैम मार्क्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन ए और बी, यानी करेक्ट आंसर है सी, शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। इन्हें सम्मानित किया गया है हैम मार्क्स गोल्ड मेडल से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका नाम शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई। ADB ने किस राज्य को $141.12 मिलियन का कर्ज दिया? तो ये है आंध्र प्रदेश। ADB और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141.12 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 23 मई 2023 को $141.12 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो ये है 75 रुपये। वित्त मंत्रालय ने एक 75 रुपये का सिक्का बनाया जो 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। और आप जानते हैं कि वे भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है, 75वां आज़ादी महोत्सव।
टीना टर्नर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो ये थी सिंगर। किस देश ने भारत को बिजली का निर्यात शुरू किया है? तो ये है नेपाल। श्रीलंका के कितने जिलों के 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो ये है 25। श्रीलंका में सभी 25 जिलों के 300 स्कूली बच्चों को प्रतिष्ठित महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो ये है हर्ष जैन। ड्रीम इलेवन के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर्ष जैन को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का चेयरमैन चुना गया है। ड्रीम इलेवन के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये, इनको चुना गया है इस कार्य के लिए। इनका नाम है हर्ष जैन। किस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया? तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया। कैसा लगा आपको 17 जून 2023 का ये छोटा सा सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी नहीं, कल संडे है। मौसम का आनंद लीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब मस्त रहिए। मंडे को मुलाकात होगी नए सेशंस के साथ, तब तक बने रहिए हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।